हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स 2020। 2020 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है दो वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। आज पार्ट वन है, एक वीडियो और आएगा पार्ट टू। दोनों में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है हम लोग कवर कर लेंगे। इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यदि किसी को 2020 से लेकर 2021 मार्च तक करंट अफेयर्स, झारखंड करंट अफेयर्स का पीडीएफ किसी को चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मात्र 49 रुपीज़ में यह प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले के किस प्रखंड से प्राचीन काल टब और चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा बड़कागांव प्रखंड। कौन सा प्रखंड है? बड़कागांव प्रखंड। देखिए सेकंड है, हाल ही में रांची की आनंदिता चक्रवर्ती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा वर्धराज अवार्ड। यही अवार्ड मार्केटिंग एसोसिएशन अमेरिका ने EMEA मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिसर्च 2020 के लिए दिया है। देखते हैं थ्री नंबर, रांची की लेखिका कृतिका पांडे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए रांची की लेखिका को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उसकी लघु कथा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, टेबल टेनिस खेल के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर झारखंड के किस व्यक्ति को बनाया गया? झारखंड से किस व्यक्ति को बनाया गया? रविंद्र कुमार, जो हजारीबाग के हैं। फाइव नंबर देखते हैं, ब्रिटिश सरकार की ओर से झारखंड के किस व्यक्ति को डायना अवार्ड प्रदान किया गया? डायना अवार्ड किसे मिला है? नीरज मुर्मू को मिला है। याद रखिएगा गिरिडीह के रहने वाले हैं, नीरज मुर्मू गिरिडीह के रहने वाले हैं। झारखंड के गिरिडीह में कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित बचपन बचाओ आंदोलन के तहत नीरज मुर्मू चिल्ड्रेन फाउंडेशन ने बाल मजदूरी से बच्चों को मुक्त कराया था, जिसके लिए डायना अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए आगे सिक्स नंबर, द ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सिलरेटेड लिटरेसी नई दिल्ली की ओर से किसे इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? तो किसे मिला? डॉक्टर राकेश कुमार को। याद रखिएगा डॉक्टर राकेश कुमार को, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं एक कृषि वैज्ञानिक है। याद रखिएगा डॉक्टर राकेश कुमार कौन है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं एक वैज्ञानिक भी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे, झारखंड के धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र तिवारी किस खेल से संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। देखिए हाल ही में वेद प्रकाश मारवा का निधन हो गया। इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। झारखंड में देखिए इन्होंने राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे 2003 से लेकर 2004 तक। याद रखिएगा 2003 से लेकर 2004 तक। नाइन नंबर देखते, देश को प्रकृति का वरदान मुनगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजीव लोचन। टेन नंबर देखते, देखिए झारखंड के किस विधायक को पुणे में आयोजित 8वीं भारतीय छात्र सांसद समारोह में आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया? कौन से विधायक है? विकास मुंडा, जो वर्तमान में JMM से तमाड़ सीट से विधायक है। आगे देखते हैं, वन रोपण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो याद रखिएगा कुंज वन समिति को। किसे पुरस्कृत किया गया? कुंज वन समिति को। कुड़ुक भाषा के लिए कितने शब्दावली का चयन किया गया? देखिए 16 नए शब्दावली का चयन किया गया। झारखंड में सर्वप्रथम टंगस्टन का भंडार मिला था। आगे देखते हैं, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के नई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के गढ़वा जिले के सलतुआ में टंगस्टन धातु का भंडार सर्वप्रथम मिला था। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के नई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के गढ़वा जिले के सलतुआ में टंगस्टन धातु का भंडार सर्वप्रथम मिला था। देखिए लम्हों में खता की रांची ने सजा पाई पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा सरयू राय वर्तमान में पूर्वी जमशेदपुर के विधायक हैं और इनके द्वारा मैनहट नियुक्ति घोटाला पर आधारित यह पुस्तक लिखा गया है। झारखंड के प्रथम दृष्टि बाधित उपायुक्त किसे बनाया गया है?
झारखंड के प्रथम दृष्टिबाधित उपायुक्त किसे बनाया गया, राजेश सिंह को। देखिए किसे बनाया गया, राजेश सिंह को। इन्हें बोकारो जिले का उपायुक्त बनाया गया है। भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार झारखंड के कितने गांव एवं शहर में तब्दील हो गए हैं। भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के नए आंकड़ों के अनुसार झारखंड के कितने गांव एवं शहर में तब्दील हो गए हैं, 109 गांव। कितने गांव? 109 गांव। जिस गांव का जनसंख्या 5000 से अधिक हो एवं वहाँ 75% ऐसे लोग हो जो गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, उसे शहर का दर्जा दिया गया है। 109 गांव टोटल जो है 109 गांव है। और किन गांवों को शहर बनाया गया, या तो किन गांवों को नगर बनाया गया? जिस गांव का जनसंख्या 5000 से ज़्यादा हो और 75% लोग गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, मतलब खेती नहीं करता हो, तो 75% से ज़्यादा लोग वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे, इसलिए उसे शहर का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह परियोजना का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? तो सरस्वती महिला समिति नवाड के स्थापना दिवस के अवसर पर मिला है। सरस्वती महिला समिति को नवाड के स्थापना दिवस के अवसर पर मिला है। राज्य के प्रथम दृष्टिबाधित उपायुक्त जो बोकारो जिले के हैं, राजेश कुमार सिंह द्वारा कौन से पुस्तक को लिखा गया? तो कौन सा पुस्तक लिखा गया? पुटिंग आई इन आई एस। चलिए आगे देख लेते हैं, महुआ का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? महुआ का जो वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, मधुका लॉन्ग फुलिया। देखिए, पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, गंदूरा उराव। राज्य के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में रांची जिले के मांडर प्रखंड निवासी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, गंदूरा उराव को सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा 50,000 नगद एवं प्रशस्ति पत्र देकर ऑनलाइन सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं, राज्य के किस विज्ञान केंद्र को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा, गुमला विकास भारती बिशनपुर कृषि विज्ञान केंद्र को। गुमला विकास भारती बिशनपुर कृषि विज्ञान केंद्र को। इसके तहत देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा 7,50,000 की राशि प्रदान किया, पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। आगे देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन ई स्टाम्प खरीदारी के लिए किस नियमावली के गठन की मंजूरी दी है? तो देखिए, कौन सा नियमावली है? झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020। झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020। सीसीएल द्वारा अपने कमांड क्षेत्र में कितने इको पार्क की स्थापना करेगा? तो सीसीएल द्वारा अपने कमांड क्षेत्र में 6 इको पार्क की स्थापना करेगा। झारखंड में धोती साड़ी योजना फिर से कब शुरू किया गया? याद रखिएगा, 15 अगस्त से। कब से शुरू किया गया? 15 अगस्त 2020 से शुरू किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा वर्ष में दो बार 10 रुपये में धोती साड़ी और लुंगी देने का प्रावधान है। इस योजना का बजट देखिए 200 करोड़ रुपया है। इस योजना से राज्य के 57 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। इसे जन वितरण प्रणाली दुकान में दिया जाएगा। इस योजना का पूरा नाम सोबरन धोती साड़ी योजना है। इस योजना का पूरा नाम देखिए सोबरन धोती साड़ी योजना है। चलिए आगे देखते हैं, 28 देखिए, पुस्तक ए प्लान वेट एक्चुअली वर्क, पुस्तक ए प्लान वेट एक्चुअली वर्क के लेखक कौन है? तो कौन है? अनध प्रसाद, याद रखिएगा, अनध प्रसाद। यह पुस्तक आईआईटी की परीक्षाओं से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, राज्य की नई खेल नीति में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, दिव्यांग खेल। कौन सा खेल शामिल किया गया? दिव्यांग खेल। देखिए, राज्य का जो नया प्रतीक चिन्ह है कब लागू किया गया? राज्य का नया प्रतीक चिन्ह कब लागू किया गया? 15 अगस्त 2020 से। नए प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा है? वृत्ताकार है और राज्य के प्रगति का सूचक है। वृत्तों की कुल संख्या कितना है? 7 है। उसमें कुल वृत्तों की संख्या 7 है और इसमें देखिए कुल मानव जोड़ी 33 है। अलग अलग फिगर में अलग अलग देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 33 जोड़ा, किसी में कुछ और होगा, किसी में कुछ और होगा। इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं करना है और ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। प्लास फूलों की संख्या 19 है, कुल सफ़ेद हाथियों की संख्या 25 और छठवें गोले में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। ये प्रतीक चिन्ह में जो ग्रीन कलर है, हरा रंग, झारखंड की हरी भरी धरती और यहाँ के वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है।
प्रतीक चिन्ह में हाथी है, देखिए राज्य के ऐश्वर्य एवं प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ ही राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पलाश का फूल, उसमें जो है पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। सोरा चित्रकारी, उसमें एक अलग चित्रकारी का प्रयोग किया गया जिसे सोरा चित्रकारी कहते हैं, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। चलिए 31 देख लेते हैं। राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को कितने दिनों में तैयार किया गया, तो याद रखिएगा 205 दिनों में। बॉलीवुड का जो मूवी है दिल बेचारा की कहानी झारखंड के किस शहर से जुड़ा है, तो याद रखिएगा जमशेदपुर। कौन सा शहर है? जमशेदपुर। गूगल की ओर से हाल ही में यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब किसे दिया गया? रोहित सिन्हा, जमशेदपुर के निवासी है। रोहित सिन्हा मात्र 15 साल के हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में रांची के अंजनी कुमार सहाय को किस देश के राजदूत नियुक्त किया गया? याद रखिएगा माली और मोरिटानिया दोनों अफ्रीका का देश है। 35 नंबर देखते हैं। इसे बनाने वाली कमेटी में झारखंड के कौन से व्यक्ति शामिल थे? देखिए डॉक्टर आर एस कुरिल शामिल थे। ये कौन थे? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर थे। 36 नंबर देखिए। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। कौन सा मंत्रालय? जनजातीय कार्य मंत्री वर्तमान में अर्जुन मुंडा है, जो खुट्टी से सांसद हैं। चलिए आगे देखते हैं। देश के 25 कम्युनिटी स्टेशन में झारखंड का एकमात्र रेडियो स्टेशन कौन है जिसे शामिल किया गया, तो रेडियो स्टेशन कौन है? रेडियो खांची। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने रांची विश्वविद्यालय रेडियो खांची 90.4 FM को अपने प्रोजेक्ट साइंस एंड इनोवेशन क्रेडिट पार्टनर ग्रुप में चयन किया है। आगे देखते हैं। हंगरी जो यूरोप का देश है कि नेशनल क्रिकेट टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो भरकुंडा रामगढ़ के अभितेश परासर को। आगे देखते हैं 39 नंबर। झारखंड में निर्मित किस फिल्म को 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल में जगह मिला है, तो याद रखिएगा कौन सा फिल्म है? धूमकुड़िया। यह एक नागपुरी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक नंदलाल नायक है। यह फिल्म मानव तस्करी पर आधारित है। इस फिल्म का संगीत पद्मश्री मुकुंद नायक ने तैयार किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में बशीर अहमद का निधन हो गया, वे कौन थे? तो बशीर अहमद कार्टूनिस्ट, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका झारखंड आंदोलन में अहम योगदान रहा था। एक पत्रकार थे, कार्टूनिस्ट थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इनका झारखंड आंदोलन में अहम योगदान रहा था। आगे देखते हैं। हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? शैलेंद्र महतो। बागवानी मिशन के तहत झारखंड के सब्जियों को किन देशों में भेजी गई, तो देखिए कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और दुबई में भेजी गई। आगे देख लेते हैं। पुस्तक शिखर को छूटे ट्राइबल के लेखक कौन है? संदीप मुरारक्का। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका विमोचन किया गया। इस पीडीएफ में कुल 700 क्वेश्चन मिलेगा 2020 से लेकर 2021 मार्च तक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी देखने को मिलेगा। यदि इसे आप खरीदना चाहते तो मात्र 49 में इसे आप खरीद सकते हैं। आपको खरीदने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि देश का पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए देश का पहला एलिफेंट रिजर्व झारखंड में स्थापित किया गया। झारखंड के किस शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पाद बनाए जाएंगे? तो आदित्यपुर में बनाया जाएगा। देखिए राज्य में किसे गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, तो याद रखिएगा डॉक्टर सहदेव राम को। आगे देखते हैं।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से नवाजा गया है? तो वीरता पदक से 12 पुलिसकर्मियों को नवाजा गया है। देखिए, हाल ही में झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल बंद हो गई। कौन सा कपड़ा मिल है जो झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल था बंद हो गया? झारखंड क्राफ्ट। कौन सा है? झारखंड क्राफ्ट। देखिए, फेम इंडिया एशिया पोस्ट 50 की सूची में झारखंड के कौन से विधायक का नाम आइकॉन विधायक के लिए चयन किया गया है? याद रखिएगा, अंबा प्रसाद, जो बड़का गांव के विधायक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव का निधन हो गया। वे कहाँ के राजा थे? याद रखिएगा, खरसावां के राजा थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राज्य सरकार द्वारा संचालित अभियान आशा क्या है? देखिए, क्या है? ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाया गया एक अभियान है। देखिए, 52 है। राज्य के कितने शिक्षकों को वर्ष 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया? कुल 3 शिक्षकों को। झारखंड में ट्री हॉस्पिटल की शुरुआत कब किया गया? 2 अक्टूबर 2020 को। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम प्लस ब्रांड है। फिर से देख लीजिए, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम प्लस ब्रांड है। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड का पार्टनर राज्य कौन है? तो झारखंड का पार्टनर राज्य गोवा है। अमृता प्रीतम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया, जो जमशेदपुर के निवासी हैं। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड कितने नंबर पर है? झारखंड देखिए 14वें नंबर पर है, गुजरात प्रथम में है। देखिए आगे, झारखंड के किस खेल कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया? तो याद रखिएगा, धर्मेंद्र तिवारी को, जो टाटा तीरंदाजी एकेडमी से जुड़े हुए हैं। देखिए, 59 नंबर में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के कितने पंचायत को सम्मानित किया गया? 2020 का बात किया जा रहा है, तो 2020 में कुल 3 पंचायत को सम्मानित किया गया। कौन कौन जिले के हैं? देखिए, रामगढ़ बोकारो गिरिडीह के एक एक पंचायत को सम्मानित किया गया। चाइल्ड ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए किस पंचायत का चयन किया गया? तो पेटरवार। कौन सा पंचायत है? पेटरवार। देखिए, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए किसे चयन किया गया? याद रखिएगा, रामगढ़ का दुलमी पंचायत। देखिए, नेताजी देशमुख गौरव ग्राम साहब अवार्ड के लिए किस पंचायत का चयन किया गया? देखिए, कौन सा पंचायत है? बिरनी पंचायत, गिरिडीह का बिरनी पंचायत को चयन किया गया है। 2020 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड को कुल कितनी राशि स्वीकृत किया गया? तो ये 103.30 करोड़। देखिए, झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर हॉकी इंडिया ने प्रति वर्ष पुरस्कार की शुरुआत की है? देखिए, कौन से खिलाड़ी? अंशुता लकड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लीजिए। झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर हॉकी इंडिया ने प्रति वर्ष पुरस्कार की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, अंशुता लकड़ा। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना काल में सेल द्वारा राज्य सरकार के फंड में कितनी राशि दिया गया? तो 1 करोड़। कितना दिया गया? 1 करोड़। नागपुरी फिल्म फुलमुनिया के निर्देशक कौन है? तो फुलमुनिया के निर्देशक लाल विजय सहदेव है। यह जो फिल्म है, कुप्रथा पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। घर बैठे चिकित्सा सलाह के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लाया गया? तो ई संजीवनी। लॉकडाउन के समय अन्य राज्यों में फंसे लोगों को झारखंड लाने के लिए भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य झारखंड है। अब देखिए, राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई 3 नई योजनाओं के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। देखिए, सबसे पहले देखिए, बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पौधे का पट्टा दिया जाएगा। राज्य भर में 5 लाख पौधे का रोपण किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की आमदनी भी सुनिश्चित की जाएगी। कौन सा योजना? याद रखिएगा, बिरसा हरित ग्रामीण योजना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा है वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना।
इस योजना का संबंध खेल से, राज्य भर में 5,000 खेल मैदान बनाए जाएंगे, युवक युवतियों को खेल सामग्री उपलब्ध कराना, प्रखंड और जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र बनाना, प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। इसमें देखिए 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन मनरेगा के तहत किया जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सा योजना है, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक अन्य योजना है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। इस योजना का संबंध जल संरक्षण से है, यह योजना का संबंध जल संरक्षण से। इसके तहत राज्य में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही बंजर भूमि को खेती लायक बनाना इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं। देखिए लॉकडाउन में झारखंड राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ करार किया था, याद रखिएगा दूरदर्शन के साथ। आगे देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग के लिए मोरहाबादी का रूट अगले 3 सालों के लिए मान्यता प्रदान किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग के लिए मोरहाबादी के रूट को अगले 3 सालों के लिए मान्यता प्रदान किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस आयोजन करने के मामले में मोरहाबादी देश में दूसरे स्थान पर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस आयोजन करने के मामले में मोरहाबादी देश में दूसरे स्थान पर, इससे पहले चेन्नई में आयोजन हो चुका है। आगे देखते 75 नंबर। देखिए हाल ही में आयोजित ऑनलाइन परिचय कोर्स में झारखंड में एक नई खेल के बारे में जानकारी दी गई है। कौन सा खेल याद रखेगा, क्रोनम नामक एक नई खेल के बारे में जानकारी दिया गया है। हाल ही में आयोजित ऑनलाइन परिचय कोर्स में झारखंड में क्रोनम नामक एक नई खेल के बारे में जानकारी दिया गया है। देखिए आगे राज्य के सोहराय और कोहबर कला को 2020 में GI टैग मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले JPSC एग्जाम में। देखिए राज्य के सोहराय और कोहबर कला को 2020 में GI टैग मिला है। रांची के किस महिला किसान की उपलब्धि देश भर के किसानों को दिखाया गया, तो याद रखिएगा किरण खलखो। कौन से किसान है, किरण खलखो। इन्होंने 1 एकड़ में 40 टन तरबूज की उत्पादन की थी, 1 एकड़ में 40 टन तरबूज। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा देश के 117 जिलों में बायोटेक किसान हब परियोजना लागू किया गया। इसमें से झारखंड में कितने जिले, तो झारखंड में याद रखिएगा 3 जिले, गुमला, पलामू और लोहरदगा। राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, याद रखिएगा खुट्टी में। देखिए कहाँ स्थापित किया जाएगा, खुट्टी में। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य सहकारिता बैंक संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा, झारखंड राज्य सहकारिता बैंक का संचालन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। मुख्य वजह देखिए, मुख्य वजह क्या है, बैंक में अभी तक कुल 50 करोड़ से ज़्यादा घोटाला हो चुका है। देखिए कौन सा बैंक है, झारखंड राज्य सहकारिता बैंक का संचालन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, अभी तक इस बैंक में 50 करोड़ से ज़्यादा के घोटाला हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के 50 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किसने स्थान पर है, तो याद रखिएगा 12वें स्थान पर है। देखिए हाल ही में राजेंद्र सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे, तो याद रखिएगा राजनीति से थे, बेरमो सीट से विधायक थे। पानी रोको पौधा रोपो योजना के तहत कितने पौधे रोपे गए, तो याद रखिएगा 5 करोड़। इस योजना का शुरुआत 1 जून 2020 से किया गया। देखिए हाल ही में गोपी चंद्र परमानिक का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे, याद रखिएगा बांसुरी वादन में प्रसिद्ध एक लोक संगीत कलाकार थे। इस क्वेश्चन का PDF पाने के लिए फिर से बता दे रहे, मात्र 49 रुपीज़ में आपको 700 क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा झारखंड करंट अफेयर्स का। इसे पाने के लिए जो WhatsApp नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लॉकडाउन में झारखंड में देश का प्रथम विधिक सेवा प्राधिकार जिसने योजनाओं का शुभारंभ किया, देखिए लॉकडाउन में झारखंड में देश का प्रथम विधिक सेवा प्राधिकार कौन है जिसने योजनाओं का शुभारंभ किया, देखिए किसने किया, कि झालसा, इसके द्वारा 3 योजनाओं का शुरुआत किया गया। कौन कौन योजना, समवे वंदते मानवता और कर्तव्य, समवे वंदते मानवता एवं कर्तव्य। झालसा के तहत देखिए लॉकडाउन में झारखंड में देश का प्रथम विधिक सेवा प्राधिकार है जिसने 3 योजनाओं का शुरुआत किया, श्रम वंदते मानवता एवं कर्तव्य। चलिए आगे देख लेते। देखिए महिलाओं में स्वच्छ महावारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 28 मई 2020 से 27 जून 2020 तक चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो, देखिए चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान चलाया गया।
देखिए राज्य का एकमात्र जिला जहां विद्युत शवदाह गृह का सफल ट्रायल किया गया, तो याद रखिएगा कहाँ है, रांची में शवदाह गृह का नाम रखा गया मोक्ष धाम। क्या रखा गया? मोक्ष धाम। चलिए आगे देखते हैं, राज्य के किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बोरी बांध जो खुट्टी जिले में। कौन सा बांध है? बोरी बांध जो खुट्टी जिले में। राज्य के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राज्य के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा नामकुम प्रखंड। चलिए आगे देख लेते हैं, झारखंड के कितने शिक्षकों को कोरोना के समय बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार दिया गया? 48 शिक्षकों को। वर्ष 2020 में मनरेगा मजदूरी भुगतान के मामले में पूरे देश में झारखंड का स्थान कितना है? तो याद रखिएगा प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं, झारखंड में CCL, देखिए झारखंड में CCL की स्थापना कब हुआ? 1975 में। कब हुआ? 1975 में। मुख्यालय कहाँ है? रांची में। देखिए किस राज्य के डाक विभाग के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के सम्मान में फर्स्ट डे कवर जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, राज्य के किस साहित्यकार को MS सिग्नेचर अवार्ड से नवाजा गया? तो याद रखिएगा राकेश मिश्र को। इसके द्वारा 4 कहानी संग्रह का प्रकाशित किया गया तथा इन्हें ये पुरस्कार गांधी अध्ययन एवं शांति शोध के लिए दिया गया। देखिए आगे, राज्य में बहुत चर्चित मैनहट नियुक्ति घोटाले पर मलमहों की खता नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? तो याद रखिएगा सरयू राय, जो पूर्वी सिंहभूम के विधायक है। आगे देखते हैं, हाल ही में काव्य संग्रह परसून नामक पुस्तक का विमोचन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए परसून नामक पुस्तक का विमोचन राज्यपाल के द्वारा किया गया, जिसके लेखक महेंद्र शाह है। आगे देखते हैं, हाल ही में झारखंड में पद्मश्री मंगलाचरण मोहंती का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? लोक नृत्य कलाकार थे, छऊ नृत्य के देखिए प्रसिद्ध कलाकार थे। देखिए राज्य के बिजली वितरण निगम JBVNL के उपभोक्ताओं के लिए घरों के छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराया जाएगा? तो याद रखिएगा 40%। कितना? 40%। आगे देखते हैं, देश भर में लॉकडाउन के बाद पहली बार झारखंड में IPL के तर्ज पर JPL का आयोजन कब किया गया? JPL का आयोजन 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक किया गया, और JPL का फुल फॉर्म देखिए झारखंड प्रीमियर लीग। इसका स्पोर्ट्स पार्टनर TMC है। देखिए इसका स्पोर्ट्स पार्टनर कौन है? TMC। तो आज के लिए बस इतना ही, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखें, आगे इसी तरह सीरीज जारी रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग इसका PDF खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।